अनचाहे नवजात को सुरक्षित छोड़ने के लिए मेडिकल कॉलेज ने अनोखी पहल शुरू की है। अनचाहे नवजात शिशुओं को सुरक्षित छोड़ने के लिए मेडिकल कॉलेज मेरठ के न्यू गायनोलॉजी ब्लॉक लेबर रूम के बाहर आश्रय प्रांगण स्थल का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर आम जनमानस से आह्वान किया गया, किसी भी परिवार में किसी भी कारणवश कोई अनचाहे संतान जन्म लेती है तो उसे मारे नहीं और इधर उधर नहीं फेंके, बल्कि अपनी पहचान बताए बिना उसे इस आश्रय पालना स्थल में छोड़ जाएं और पूरी तरह से निश्चिंत रहें, क्योंकि इस दौरान उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और किसी के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आश्रय पालना स्थलों के माध्यम से हर अनचाहे नवजात शिशु को जीने का अधिकार प्राप्त हो सकेगा। साथ ही इच्छित दंपत्ति मासूम को विधि अनुरूप गोद लेकर अपना परिवार पूरा कर सकेंगे, जिससे इन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और खुशनुमा माहौल में स्नेह और सम्मान के साथ विकसित होने का मौका मिल सकेगा और अच्छी परवरिश से आने वाले समय में ये मासूम समाज और राष्ट्र के लिए अमूल्य संपत्ति बन सकेंगे। इस अभियान का उद्देश्य वह बच्चे, मासूम नवजात, जिन्हें पैदा होते ही लोग डस्टबिन और झाड़ियों में फेंक देते हैं जहाँ वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या वह बच्चे जिन्हें पैदा होते ही असुरक्षित स्थानों पर जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या ऐसे अन्य सुनसान स्थानों पर छोड़ दिया जाता है और वह बच्चे गलत हाथों में जाकर उनका जीवन मृत्यु से भी भयावह हो जाता है, क्योंकि उन्हें भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति या ऐसे जघन्य अपराधों में धकेल दिया जाता है। ऐसे बच्चों का जीवन बचाने और बनाने के उद्देश्य से जीवन संरक्षण अभियान के तहत आश्रम द्वारा आश्रय पालना स्थल की स्थापना मेरठ में की गई है। इस पालना स्थल में बहुत हाईटेक मोशन सेंसर लगाए गए हैं। जैसे ही कोई भी इस पालना स्थल में अपने नवजात शिशु को छोड़ेगा, उसके 2 मिनट बाद अपने आप लेबर रूम में घंटी बजेगी। जैसे ही घंटी बजेगी, चिकित्सा कर्मी आकर उस नवजात को अपने संरक्षण में ले लेंगे और उसका व्यक्तिगत और चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात उसे तत्काल ही स्वस्थ होने पर राजकीय शिशु गृह में भेज दिया जाएगा। माँ भगवती विकास संस्थान उदयपुर के संस्थापक संचालक ने जानकारी दी कि आश्रय पालना स्थल में प्राप्त शिशु को जिला बाल कल्याण समिति के जरिए विधि अनुसार दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के जरिए शिशु के दत्तक ग्रहण की कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद जिला न्यायालय के माध्यम से शिशु को दत्तक ग्रहण के तत्व पुनर्वास कर दिया जाएगा, जहाँ से उसे एक नया जीवन, नया नाम और नई पहचान मिल सकेगी। इसका फायदा ये है कि जैसे जो लोग, जो हमारे अनवांटेड चाइल्ड होते हैं या कुछ ऐसे डिलीवरी होती हैं जिसमें कि लोग बच्चे को नहीं चाहते हैं, वो इधर उधर कहीं फेंक जाते हैं और उससे क्या होता है कि उससे जो है वो अबोध चाइल्ड, अबोध बच्चा जिसका कोई कुछ नहीं है, वो पूरी जिंदगी या कहीं या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर इधर उधर कहीं पा जाता है। तो इसको एक बनाया गया है कि भाई ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे कि कोई भी आदमी ऐसा है कि जिसको बच्चा नहीं चाहिए, वो बच्चा अपना यहाँ पे छोड़ जाए और वो यहाँ से जाएगा, उसके 2 मिनट बाद अलार्म बजेगा हमारे अंदर जो है, हमारे जहाँ पे हमारे कर्मचारी लोग रहेंगे, और उससे वो दो मिनट बाद इसलिए रखा गया है, वो सेटिंग इस तरह की गई है कि जिससे कि कोई आदमी जो अपनी आइडेंटिटी नहीं क्लोज डिस्क्लोज करना चाहता है, वो अपने यहाँ 2 मिनट के अंदर वहाँ से निकल जाए, उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से उठा बच्चे उठाएंगे। अगर आश्रय पालना स्थल हाईटेक मोशन सेंसर से युक्त होगा, जिससे कि पालना स्थल में शिशु को छोड़ने के 2 मिनट के बाद चिकित्सालय के लेबर रूम में अपने आप घंटी बजेगी। इस 2 मिनट के समय में शिशु को छोड़ने वाला व्यक्ति आसानी से सुरक्षित रूप से वहां से निकल सकेगा और इससे उसकी पहचान भी गोपनीय बनी रहेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के मुताबिक आश्रय पालना स्थल की चिकित्सालय के लेबर रूम में घंटी बजते ही चिकित्सा कर्मी आश्रय पालना स्थल से शिशु को प्राप्त कर उसकी चिकित्सीय और व्यक्तिगत देखभाल कर सकेंगे और नजदीकी राजकीय मान्यता प्राप्त शिशु गृह में भेज दिया जाएगा। देखिए, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां जीवन में आ जाती हैं जिसके कारण से माँ अपने बच्चे को ही त्यागने के लिए विवश हो जाती है। महाभारत में कुंती और कर्ण की कथा है। कई बार लोक अपमान का डर होता है, कई बार उसके पालन पोषण की चिंता का विषय होता है। ऐसी परिस्थितियों में शिशु को, नवजात शिशु को बहुत बार लापरवाही से छोड़ करके माँ चली जाती है। हालांकि इसकी कल्पना कर सकते उसके दिल पर क्या बीतती है और उस स्थिति में बच्चे की सुरक्षा भी नहीं हो पाती, बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी खबरें हम लोग पढ़ते रहते हैं समाचार पत्रों में या विभिन्न मीडिया
माध्यमों से, ये उसका एक व्यवस्था की है, बड़ी संवेदनशीलता व्यवस्था की, किसी को अपने बच्चे का परित्याग करना जरूरी है, तो यहाँ आकर के अपने शिशु को यहाँ पर रखेगा। मेरठ से जनमत न्यूज के लिए नरेंद्र गौतम की रिपोर्ट।